74 साल की उम्र में कैसे फिट रहते हैं पीएम मोदी, जानिए मोदी के बेहतर स्वास्थ्य का बड़ा राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 74वां जन्मदिन मना लिया है। इस उम्र में भी वो काफी फिट हैं और स्वस्थ जीवन जीते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पीएम मोदी की दैनिक दिनचर्या क्या है। हमारा दावा है कि पीएम मोदी की दिनचर्या जानकर आप भी ताजगी और उत्साह से भरे रहेंगे। पीएम मोदी खुद को फिट रखने के लिए वज्रासन, सेतु बंधासन, भुजंगा और उत्तानपादन जैसे योगाभ्यास करते हैं। पीएम मोदी रोजाना सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं और शाम 6 बजने के बाद कुछ नहीं खाते। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने एक बार बताया था कि वो पीएम मोदी की दैनिक दिनचर्या से खासे प्रभावित हैं। पीएम मोदी खाली 3.5 घंटे की नींद लेते हैं, शाम के 6 बजे बाद कुछ नहीं खाते, संतुलित भोजन पर विश्वास रखते हैं और चावल, दाल, खिचड़ी जैसे व्यंजन लेना पसंद करते हैं। योग से होती है दिन की शुरुआत। जी हां, आपको बता दें पीएम मोदी लगभग 40 मिनट तक योगाभ्यास करते हैं। वो हफ्ते में 2 बार योग निद्रा करते हैं। एक बार उन्होंने खुद बताया था कि अनिद्रा से बचने के लिए योग निद्रा काफी लाभदायक है। पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में ये भी बताया है कि पैदल चलना जीवन के लिए खासा लाभदायक है, जितना संभव हो पैदल चलें। हल्का नाश्ता और शाम 6 बजे के बाद नहीं करते हैं भोजन। प्रधानमंत्री मोदी शाकाहारी हैं, कई मौकों पर व्रत रखते हैं। आमतौर पर सुबह 9 बजे के आसपास नाश्ता करते हैं। पीएम मोदी ने फिट इंडिया से जुड़े कार्यक्रम में बताया था कि उन्हें सहजन का पराठा काफी पसंद है और हफ्ते में 2 बार वो इस तरह के पराठे जरूर खाते हैं। आपको बता दें पीएम मोदी जी रात के वक्त आमतौर पर हल्का खाना खाते हैं, जिसमें गुजराती खिचड़ी होती है, और शाम के 6 बजने के बाद वो कुछ नहीं खाते। तो दोस्तों, पीएम मोदी की ये दिनचर्या जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।